हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमसे कमल का जो कार्ड है उसका डिज़ाइन मांग रहे थे। चूंकि मेरे पास वो कार्ड नहीं था इसलिए मैं वो डिज़ाइन नहीं बनाया था, लेकिन मेरे एक भाई ने वो डिज़ाइन बना के दिया है और वो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है जिसको हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे trbahadurpur.in पे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि ये डिज़ाइन फ्री नहीं है, ये पैड है, तो इसको आपको पे करने के बाद ही डाउनलोड करने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरी वेबसाइट ये ओपन होगी तो आप देखेंगे ऊपर ये जो मीनू है इसमें पैड डिज़ाइन का ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी बेहतरी के लिए मैंने लिखा है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको पेमेंट करने में, या आपका पेमेंट हो जाता है डाउनलोड नहीं होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप स्क्रीन शॉट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसको कैसे मतलब पे करना है, यहाँ पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो अभी आप इस वीडियो में देख लीजिए कि कैसे करना है। अब यहाँ पर ये सारे डिज़ाइनें जो हैं ये पैड हैं, कमल के फूल वाला डिज़ाइन ये है, कमल कार्ड मैंने इसका नाम रख दिया है, 30 रुपये इसका प्राइस है। यहाँ पे आप परचेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये खुल के आएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है कमल कार्ड मैटर डिज़ाइन CDR फाइल हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ड व्यू कार्ड करके आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे प्रोडक्ट में न्यू कार्ड गुड़े एक दिखा रहा है और कमल कार्ड गुड़े एक दिखा रहा है, यानी 25 रुपये इस कार्ड का, 30 रुपये इसका, क्योंकि मैंने इस कार्ड पे भी क्लिक किया था और उसको पे नहीं किया था, इसलिए उसका भी इसमें जोड़ करके टोटल यहाँ पे 55 रुपये दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर प्लेस ऑर्डर पर ओके करेंगे तो हमको 55 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन हमको ज़रूरत सिर्फ किसकी है, कमल कार्ड वाले डिज़ाइन की, इसकी नहीं है, तो इसलिए हम व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से ये न्यू 11 वाला जो कार्ड है इसको हम कट कर देंगे। जैसे हमने इसको कट कर दिया, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कार्ड हमारा बचा है, क्वांटिटी यहाँ पे एक है। अगर आप इसको दो कर देंगे तब भी ये आपका पैसा जोड़ के 60 रुपये कर देगा, तो इसलिए इसको आप याद रखिए कि एक ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अपडेट कार्ड, अपडेट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आइए, यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, अब प्लेस ऑर्डर इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर है 3295। कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपना ऑर्डर नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप इसमें जिस चाहे जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड यानी कि ATM से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि UPI QR इस पर क्लिक करिए और इसमें अपने UPI कोड भी डाल सकते हैं, नहीं तो शो QR कोड इस पर क्लिक करिए और आपके पास फ़ोन पे गूगल पे जो भी है आप उससे इसमें पे कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन पे से इसको पे कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन पे ओपन किया और स्कैन किया, ये देखिए हमारा स्कैन हो गया। और स्कैन करने के बाद हम यहाँ से इसको सेंड कर देते हैं, जैसे ये सेंड हो जाएगा पैसा हमारा सक्सेस होगा तो ये सामने वाला स्क्रीन हट जाएगा। देखिए पैसा सक्सेस हो गया, तुरंत वो अपने आप हट गया और अभी ये खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये घूम रहा है, आप इसका इंतजार कर लीजिए। अब ये रुक गया, नीचे आ गया, अब आप यहाँ पे आ जाइए नीचे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए प्रोडक्ट में ये लिख दिया है कमल कार्ड मेटर डिजाइन CDR फाइल, और इसके आगे यहाँ पे आएंगे डाउनलोड ये लिखा है, और उसके नीचे ये फाइल का नाम है, आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हम इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोने पे। डाउनलोड होने के बाद इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना मैंने और सारे वीडियो में बता दिया है, इसमें भी आपको बता देता हूँ। सवाल पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको शो इन फोल्डर, और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे। स्टार्ट जिप फाइल स्टार्टर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आ जाइएगा, ये 3 नंबर या 4 नंबर पे जो भी हो स्टार्ट पर डिजाइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये स्टार्ट होके एक फाइल बन के आ गई, नीचे आया होगा कहीं यहाँ पे, देख लेते हैं कहाँ गया, ये देखें आप यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, ये डिजाइन है, आप इसको अपने कोलडा के अंदर ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे करना है।